हाय दोस्तों, मेरा नाम मनाना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप जब भी अपने मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं और चार्ज करने के दौरान आपको कुछ पांच बातों का ध्यान रखना है, अगर आप इन पांच बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके मोबाइल और आपके मोबाइल की बैटरी की जो लाइफ है वो काफ़ी हद तक अच्छी रहेगी। और अगर आप इन पाँच बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके मोबाइल और आपके मोबाइल की बैटरी की लाइफ जो है वो ख़राब हो सकती है, और आपकी मोबाइल जो है ख़राब हो सकती है और आपके मोबाइल की बैटरी वो ख़राब हो सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे ईएक्स मन्नानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। आप सोचेंगे सब्सक्राइब करने से क्या होगा? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी कोई नई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देख सकेंगे। अगर आप कंप्यूटर पर देख रहे हैं तो यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं वीडियो तो वीडियो के नीचे यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमारे सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऊपर में देख रहे हैं कि होम लिखा हुआ है, वीडियो लिखा हुआ है, प्लेलिस्ट लिखा हुआ है। तो अगर आप वीडियो पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे सभी वीडियो पर पहुँच जाएंगे और आसानी से देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि हम लोग जब भी कभी अपने नए मोबाइल को अगर खरीदते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने ओरिजिनल चार्जर से अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली गलती हमारी ये होती है कि हम कहीं सफ़र में जा रहे हैं और हमारे साथ में जो चार्जर अपना जो ओरिजिनल नहीं होता है, जिस कारण से हम किसी का भी चार्जर को जो है यूज़ कर लेते हैं अपने मोबाइल में। और चार्जर ना मिलने की वजह से क्या होता है कि कभी कभी हम जो है कभी किसी और कंपनी का चार्जर हो, चाहे वो किसी भी मोबाइल का चार्जर हो, चाहे वो किसी भी मॉडल का चार्जर हो, उस चार्जर को भी हम अपने मोबाइल में ही यूज कर लेते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि किसी और कंपनी का भी अगर चार्जर है, मान के चलिए वो लावा का है या वो माइक्रोमैक्स का है या मान के चलिए वो डीसी चार्जर है, उन चार्जर से भी हम अपने मोबाइल को चार्ज कर लेते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी चार्जर हमें मिला और हम अपने मोबाइल में लगा देते हैं, उसे हम यूज़ कर लेते हैं। पता है उससे हमें क्या होता है? दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, उसके कारण जो है हमारा क्या होता है, हमारा जो चार्जिंग कनेक्टर है हमारे मोबाइल का, वो समय से पहले जो है ख़राब होने लगता है। तो अब हमें क्या होता है कि जब हमारा जो चार्जिंग कनेक्टर ख़राब हो जाता है, तब हम किसी मैकर के पास जाते हैं और उसे बोलते हैं, भैया हमारे मोबाइल में जो है चार्जिंग प्रॉब्लम है, चार्ज हमारा मोबाइल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे में हमें जो ये परेशानी उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, आप ये गलती बिल्कुल ना करें, आप किसी और चार्जर को अपने मोबाइल में यूज़ ना करें। जो चार्जर आपको कंपनी दिया है उसी चार्जर को ही आप अपने मोबाइल में यूज़ करें। और दूसरी गलती हम ये करते हैं दोस्तों कि अगर मान के चलिए हमारे पास ये ओरिजिनल चार्जर है और इस ओरिजिनल चार्जर से हम अपने मोबाइल को हमेशा चार्ज करते थे और अचानक हमारा ये मोबाइल का चार्जर जो है फूक चुका है, तो हम क्या करते हैं कि अपने ओरिजिनल चार्जर के बजाय जो है हम किसी भी चार्जर ऐरे गरे चार्जर को हम खरीद लेते हैं मार्केट से। और हम ये भी नहीं देखते कि हमारे चार्जर जो है, हमारे चार्जर में जो कितनी वोल्ट है, कितने वोल्ट की हमारी चार्जर थी और कितने वोल्ट की हमें चार्जर खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि आप जब भी अपने चार्जर को खरीदें तो आप अपने चार्जर का जो है जो आउटपुट है, जो वोल्टेज है, वो चेक कर लें और जो एम्पियर है आपके चार्जर का वो चेक कर लें, ताकि अगर आपको सही अगर एम्पियर का और सही वोल्ट का चार्जर आपको मिल जाता है तो इससे क्या होगा कि आपके मोबाइल और आपके मोबाइल की बैटरी की लाइफ जो बनी रहेगी और समय से पहले उसमें जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी उस मोबाइल में, उस बैटरी में, और आपके बैटरी की लाइफ जो अच्छी होगी, आपके मोबाइल की जो लाइफ है वो काफ़ी हद तक अच्छी रहेगी। तो दोस्तों, आप ऐसा गलती ना करें, आप अपने सही चार्जर को ही यूज़ करें अपने मोबाइल। तो दोस्तों, तीसरी गलती हम लोग ये करते हैं कि जब भी हम अपने मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं, हमें शौक होता है अपने मोबाइल में फ्लिप कवर लगाने का, और जब हम अपने मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं तो फ्लिप कवर हमारे मोबाइल में लगा हुआ होता है और गर्मी का मौसम होता है, गर्मी के मौसम में जब फ्लिप कवर लगा होता है हमारे मोबाइल में, तो इससे क्या होता है कि हमारे मोबाइल में जो तापमान है वो बिल्कुल अधिक होता है और जिस कारण से हमारे मोबाइल का जो पार्ट्स है वो सारी की सारी पार्ट्स जो बिल्कुल हीट होने लगती है। तो दोस्तों, आप ऐसा बिल्कुल ना करें, आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। जब भी आप अपने मोबाइल को चार्ज में लगाएं तो उसका जो फ्लिप कवर है उसे आप निकाल दें, फ्लिप कवर निकाल करके ही आप अपने मोबाइल को चार्ज में लगाएं। इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल जो है चार्ज के दौरान जो है एक डेढ़ घंटा, दो घंटा, जो भी समय लगता है हमारे मोबाइल को चार्ज होने में, और इतने समय में हमारा मोबाइल जो है वो हीट नहीं होगा। जब हमारा मोबाइल हीट नहीं होगा तो उससे क्या होगा कि हमारे मोबाइल का जो पार्ट्स है कोई भी वो हीट नहीं होगा और हमारे मोबाइल की जो लाइफ है वो बनी रहेगी। और दोस्तों, चौथी गलती हम लोग ये करते हैं कि जब भी हम अपने मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं तो कभी हमारे मोबाइल का जो है डाटा ऑन रहता है, तो कभी हमारे मोबाइल का वाईफाई ऑन रहता है, तो कभी हमारे मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन रहता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ब्लूटूथ ऐसी होता है मोबाइल के अंदर में, अगर आपके मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन रहेगा उससे क्या होगा कि आपके मोबाइल का जो आईसी है वो ब्लूटूथ आईसी वो हीट होगा, और जब ब्लूटूथ आईसी जब वो हीट होगा उससे क्या होगा आपके मोबाइल पर जो लोड पड़ेगी, और लोड पड़ेगी तो आपके मोबाइल का बैटरी जो है वो बिल्कुल तेजी में चार्ज नहीं हो पाएगा। तो आप जब भी चार्ज करें तो वाईफाई, डाटा और ब्लूटूथ को ऑफ करके ही चार्ज करें, हो सके तो अपने मोबाइल को ऑफ करके ही चार्ज करें। और दोस्तों, पांचवी गलती हम लोग ये करते हैं कि जब भी हम अपने मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं तो क्या होता है कि हम अपने मोबाइल को पूरा 100% तक चार्ज करते हैं। तो
तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हम अपने मोबाइल को जो है चार्ज में लगा के सारी रात जो है छोड़ देते हैं और सो जाते हैं। इस कारण से क्या होता है कि हमारे मोबाइल का बैटरी या तो फुल जाता है या तो हमारे मोबाइल की बैटरी की जो बैकअप है वो बिल्कुल आधी हो जाती है। तो दोस्तों आप बिल्कुल ऐसा ना करें, आप अपने मोबाइल को जो है जब भी चार्ज करें तो 95% तक ही चार्ज करें। इससे क्या होगा कि आपके मोबाइल का जो बैटरी का जो लाइफ है वो काफी हद तक अच्छी रहेगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।